तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तारामंडल मतलब जो है वो क्या है कि तारों के बारे में जानकारी रहती है, आकाश। ठीक है, आजकल तो हम देखते हैं कि आकाश के बारे में बहुत कम ही थोड़ी जानकारी रहती है, पर हमारे यहाँ पर सादी सरल भाषा में तारे, ग्रह, नक्षत्र, राशियों के बारे में इसे हम यहाँ पर लोगों को समझाते हैं कि आकाश क्या है, तारे क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। सर इनका जो टाइमिंग होता है वो क्या रहता है टाइमिंग? हमारा यहाँ का टाइम है सुबह 8 से 12 बजे तक रहता है और दोपहर के बाद 2 बजे से 6 बजे तक होता है। और यहाँ दूसरा सर ये जो गुजरात में एक ही है ऐसा या और कोई भी है इस तरह से? यहाँ पर पहले दो ही थे। ओके, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले दो ही थे, पहला कलकत्ता और दूसरा पोरबंदर में, मतलब गुजरात में ये फर्स्ट है। अच्छा, तो यहाँ जो आते हैं दर्शक वगैरह, टूरिस्ट वगैरह, तो उनको क्या कहना चाहेंगे हम? हाँ, कि वही मैं आपके अभी बता रहे हैं कि भाई ये जो है वो हकीकत की जानकारी है। अच्छा, तो जो ज्ञान वो लेंगे तो अच्छा रहेगा, जानकारी रहेगी उसकी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बिल्कुल सही सजेस्ट दिया उसके लिए। तो जितने भी जो आसमान में जो हलचल होती है तो वो हमको यहीं पर दिखा देते हैं इसके माध्यम की वजह से, और स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर होती है और यहाँ पे उसके ऐसे कुछ सीटीज होते हैं, ये कुछ सीट होते हैं ऐसे गोल राउंड में लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर और ऊपर ऐसे देख सकते हैं आसमान की पूरी हलचल, जैसे कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी कहाँ है, हम कहाँ हैं, वो सब आप देख सकते हैं इसमें। भाई सबको मजा आया? आया, अच्छा लगा आपको? कहाँ से? राजस्थान से आए आप? राजस्थान। सबको क्या बोलेंगे आप वहाँ जाके कि आप भी आओ इधर देखने, ऐसे बोलोगे? अच्छा, सबको बोलना आप गुजरात में आए, पोरबंदर में आए, सब देखे, अंजार में आए, कच्छ में आए, समाधि देखे वहाँ भी, ठीक है, सबको बोलना। के तौर पे भी यहाँ पर ऐसे कुछ फोटोग्राफ और उसके कुछ डिटेल्स दी हुई है, तो आपने तारामंडल तो देख ही लिया होगा, बहुत ही फेमस जगह है, एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पे भी ऐसे कुछ जानकारियाँ दी हुई है, यहाँ पे कुछ गैलरी भी है साथ में। अगर आप यहाँ आते हैं पोरबंदर तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ जरूर आइए, अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके, और वाकई बहुत ही अच्छा देखने लायक है। पृथ्वी की, दुनिया की अगर आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं देखने में, ऐसा ये सब आपको फिर लाइव करके दिखा सकते हैं। ये पहले फोटोग्राफ दी हुई है, फिर आपको इसमें लाइव नज़ारा करके इसमें दिखा देंगे आपको। आपने देख तो लिया होगा, ऐसा ये है तारामंडल, यहाँ से इसका गेट है आने के लिए, और मेन एंट्री जो है वो यहाँ से पड़ती है, यहाँ से आप आ सकते हैं। और इसकी टिकट्स भी मुझे लगी है 20 रुपीज़ इसकी टिकट लगी है, तो एक पर्सन अगर 10 साल से छोटा है तो इसका 10 रुपये लगेगा, और अगर 10 साल से बड़े हैं तो आपको 20 रुपये टिकट यहाँ से लग सकती है। तो ये कुछ था तारामंडल, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आगे भी फिर मैं आपको दिखाता हूँ और भी कुछ क्या है इधर चीज़ें देखने जैसी। ओके, थैंक यू। सुनना है और ऊपर देखना है, जैसा रात में आकाश देखते हैं वैसा ही आकाश यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो जितने आप शांति रखेंगे उतने आपको देखने में सुनने में मजा। तारामंडल मतलब के, हाँ, तारामंडल मतलब के जैसा रात में आकाश देखते हैं, तारे, ग्रह, नक्षत्र जो हमें देखने को मिलते हैं, बस दूसरी तरह यहाँ पे हमें तारों के बारे में जानकारी रहेगी, ठीक है ना, सादी सरल भाषा में जानकारी देगी। तो साथी से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। बोलेंगे नहीं यार, सुनना है आपको से और ऊपर देखना।
ऊपर देखिए और सुनिए। श्री जवाहरलाल नेहरू गाना मंडल की ओर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत किया जाता है। हमारे इस जो गाना मंडल की शुरुआत है वो आज से करीबन 56 साल पहले मतलब 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय के जो निर्माण की गई सदाशिव कानोबा पाटिल उनके हस्तक इसका ओपनिंग यानी कि दर्शकों के सामने खुला छोड़ा गया था। तो इस तरह के जो तारा मंडल हैं वो हमारे भारत में पहले से दो ही जगह पर थे, पहला कलकत्ता और दूसरा पोरबंदर में। अब की जैसे ऐसे जो तारा मंडल है कई जगह पर बन चुके हैं हमारे देश में। अभी 27 जगह पर ऐसे तारा मंडल हैं, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, दिल्ली, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें इस तरह की जो मशीनें वो पाई जाती हैं। पर इसी मशीन के जरिए ही हम आपको ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी देंगे। तो हम सामान्य रूप से देखेंगे कि जो आज हमारा विश्व है, हमारी जो दुनिया, वो विज्ञान युग में प्रवेश कर चुकी है। तो इस नए युग की शुरुआत में हम ब्रह्मांड दर्शन, आकाश दर्शन के बारे में देखें तो उसमें जो नए नए अवकाश पदार्थ हैं, नए नए रूप के सितारे और ग्रहों के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। इन दोनों गोलार्ध के बीच में से कोई रेखा जाती है उसे विषुवृत्त कहते हैं। और हमारे सूर्य वो जिस रेखा में भ्रमण करता है, जिस रेखा में घूमता है उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। तो इस क्रांति वृत्त के 12 जितने भाग मतलब कि हमारी जो 12 राशियां हैं वो 12 राशियों के जितने भाग यानी कि जो 27 नक्षत्र हैं वो। तो ये जो सभी हम सितारे देखते हैं उन सब की पहचान के लिए अलग अलग रूप से विभागीकरण किया गया है। हमारी 12 राशियों को आकाश के काल्पनिक आकार दिए गए हैं सभी सितारों की पहचान के लिए। वैसे हम देखें हमारा ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, फैला हुआ है, उससे करोड़ों की तारास में सितारे हैं। और जो सभी सितारे हमें आकाश में चमकते हुए देखने को मिलते हैं वो सभी स्वयं प्रकाशित हैं। जबकि हमारे जो 9 ग्रह हैं वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो सूरज के किरणों को परावर्तित करते हैं, इसलिए हमें ग्रह चमकते हुए देखने को मिलते हैं। तो यह देखें हमें आकाश में 12 जितनी राशियां, 27 जितने नक्षत्र और 9 जितने ग्रह देखने को। और अभी जो 9वां ग्रह प्लूटो उनको ग्रह में से मान्यता दर्ज करनी चाहिए। हमारे आगे जितने ग्रह बात रहते हैं तो उसी ग्रह के बारे में जानकारी लें। तो उससे पहले देखें हमारा जो सूर्य है उसे ग्रहपति कहा जाता है, क्योंकि जो सभी प्लैनेट जो सभी ग्रह है वो सूरज के आसपास घूमते रहते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए सूर्य को ग्रहपति कहा जाता है। सूरज जैसे करीबन 200 सितारे हमारे ब्रह्मांड में हैं, उनमें से 20 तारे ऐसे हैं जो हमारे सूरज से भी 80-90 हजार गुने प्रकाशित हैं। सूरज के प्रकाश को अगर पृथ्वी तक पहुंचना है 8.5 सेकंड जितना समय निकल जाता है। जो सूर्य है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर और हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी को अपने अंदर एक्सेप्ट कर कह रहे हैं सूर्य से ही हमारी पृथ्वी पर जीव सृष्टि की रचना हुई है, सूर्य से ही सभी जीव सृष्टि टिकी हुई है। हमारी जो 12 राशियां हैं उनके बारे में जानकारी है। तो उससे पहले हम देखेंगे हमारे जो ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी लें। तो ये बुध का ग्रह है, सबसे छोटा और सूरज से बिल्कुल नजदीकी का ग्रह बुध। अगर इस बुध के ग्रह को हम देखना है तो बड़ी सुबह या तो फिर शाम के वक्त ही देख सकते हैं, कारण सूरज से नजदीकी का ग्रह है, इसलिए सूरज के प्रकाश से बुध को हमें देखने को मिलता है बुध का ग्रह।
वीनस शुक्र, सुबह का सितारा शुक्र, वो छह महीने पूरब दिशा में और छह महीने पश्चिम दिशा में रहता है। आपके दिनों में अगर इसे देखना है तो बड़ी सुबह पूरब आकाश में होगा, प्रकाशित सितारों की माफक चमकता देखने को मिलेगा। मार्स मंगल कब इस मंगल के ग्रह पर खोज जारी है। अमेरिका वाले जो है उन्होंने इस मंगल पर दो अंतरिक्ष यान भेजे हुए। जैसे हमारी पृथ्वी पर जीव सृष्टि है वैसे जीव सृष्टि की रचना मंगल पर की जा सकती है। वहां पर अभी पहुंचा बृहस्पति गुरु सबसे बड़ा, और जो हमारी पृथ्वी है हमारी पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी को अत्यंत एक्सेप्ट है गुरु का। शनि पनौती देने वाले ग्रह से भी हम जानते शनि को कि वो एक राशि में 2.5 साल तक होता है और अभी वो मकर राशि में चल रहा है। शनि का ग्रह वो मकर राशि में भ्रमण कर रहा है। चांद जैसे पृथ्वी का एक चांद है वैसे मंगल ग्रह के दो चांद हैं। ऐसे 9 ग्रह के लगभग 182 जितने चंद्रमा की खोज हो चुकी है और इस चंद्र की धरती पर 1969 और 21 जुलाई में अमेरिका वाले नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथी उतरे थे। चंद्र के बारे में काफी सारी हमें जानकारी है। तो इस तरह से जो अवकाश के बारे में खोज है वो जारी है। हमारी जो बारह राशियां हैं हम उनके बारे में जान पाएंगे। तो मतलब उनमें से हमें पहली राशि जो देखने को मिलेगी वो है मेष। अश्विनी ग्रहणीय कृतिका नक्षत्र के पास मेष राशि के सितारे देखने को। टॉरस वृषभ रोहिणी नक्षत्र के पास वृषभ राशि के सितारे देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि वृक्षिस नक्षत्र के पास मिथुन राशि के सितारे देखने को। कैंसर कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र के पास कर्क राशि के सितारे देखने को मिलेंगे। सिंह मकर पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पास सिंह राशि के सितारे देखने को मिलेंगे। कन्या स्वाति नक्षत्र के पास कन्या राशि के सितारे देखने को मिलेंगे। तुला हस्त नक्षत्र के पास तुला राशि के सितारे देखने को मिलेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक अनुराधा ज्येष्ठा मूल नक्षत्र के पास वृश्चिक राशि के सितारे देखने को मिलेंगे। धन राशि उर्वशी नक्षत्र के पास धन राशि के सितारे। मकर राशि पूर्व भाद्र नक्षत्र के पास मकर राशि के सितारे देखने को। कुंभ राशि विशाखा नक्षत्र के पास कुंभ राशि के सितारे देखने को मिलेंगे। और मीन राशि है कि वो रेवती नक्षत्र के पास हमें मीन राशि के सितारे देखने को। इस तरह से जो 27 नक्षत्र उनसे ही हमारी बारह राशियां बनती है। 2.25 नक्षत्र का राशि मंडल हमें देखने को सूर्य उससे नजदीक से यह चित्र सूर्य ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। ये उसी का चित्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। पुराने जमाने का उद्धव रेड्डी वेदशाला है जो दिल्ली जयपुर बनारस और उज्जैन जैसे शहरों में बनवाई थी। हमारे भारत के जो स्वामी के राजा है शबान जैसे जी महाराज उन्होंने बनवाई थी। आगे बढ़ अवकाश में सबसे बड़ा उपग्रह जो हमारे देश में छुपा है वही श्री चंद्रयान है। चंद्रयान 2 का चित्र हबल टेलीस्कोप कि वो 2400 घंटे हमारी पृथ्वी के बाहर वातावरण में घूमता रहता है। अवकाश में जो कुछ भी गतिविधियां होती है उनकी जानकारी धरती पर मिलता है। इंजीनियरिंग मंगल पर जो ड्रोन वगैरह में अवलोकन कर चुके हैं इंजीनियरिंग करके धूम केतु गुच्छल तारे से सब जानते हैं। तो ऐसे जो धूम केतु है सूरज के आसपास घूमते रहते हैं। हेली नाम का जो धूम केतु है 1910 में देखा गया था, उसके बाद 1986 में और अब 2062 के साल में देखते हैं। सूर्य ग्रह तो जो ग्रहण है वो वापस या तो फिर पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रह वो अमावस को